अच्छा, एक एरे बनी हुई है माई एरे के नाम से, उसको हम एज ए सोर्स लेकर चलेंगे। एक और एरे बना लेते हैं इंटीजर टाइप की, उसका नाम हम माई एरे टू रख लें, माई एरे टू, और उसको न्यू कीवर्ड के साथ बनाया हमने। किस लेंथ का? वो लेंथ यहाँ पर आपने 10 रखनी है, 20 रखनी है, 30 रखनी है, चाहो तो खुद रख लो। खुद रखोगे तो मुझे याद है मैंने ऊपर 10 रखी थी, अब भी 10 रखनी है, ऊपर वैसे 5 रखी थी। हाँ, तो अभी अभी यहाँ पे 5 रखनी है, तो वो बात ठीक है, लेकिन अगर दूसरे की लेंथ यूजर से लेनी है तो आपको वैलिडेशन करवानी पड़ेगी, वो सारी चीजें। अच्छा चलो, इसको हमने 5 बनाकर भेज दिया, ठीक है। एक और एरे बनाई, उसके अंदर 0 0 सेट कर दिया और उसकी लेंथ 5 सेट कर ली, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से ना मैं बिना इफ लगाए ही वो भेज देती हूँ कॉल, एरे मेथड्स, एरे मेथड्स lab14 डॉट, इस वाले मेथड का नाम क्या था? कॉपी हाँ, कॉपी रिवर्स एरेज। तो ये हमने मेथड को कॉल लगाई, पहले भेजा माय एरे, अब हमने माय एरे टू, बस ये हो गया, ये हो गया। ओके, कंट्रोल एस। क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर ये लिख दिया है कि मेक श्योर दैट द लेंथ ऑफ टू एरेज आर कंपेटिबल बिफोर कॉपिंग, कॉपी करने से पहले मेक श्योर कर लेना कि इन दोनों की नहीं। तो ये हम कॉपिंग प्रोसीजर लिखने लगे हैं ना, इस प्रोसीजर से पहले इफ लगाते हैं, यहाँ कर लेते हैं, मेन में नहीं करते, यहाँ कर लेते हैं, ऑल्दो वहां भी हो सकता है। हम यहाँ पर लगाते हैं कि सोर्स की लेंथ भी आपको, मतलब हमें तो पता है ना, मुझे और आपको पता है कि सेम है ना, लेकिन जब प्रोग्रामर्स प्रोग्राम बनाते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। लाइक आप लोग इंडेक्स 5, अगर 5 लेंथ की एरे है और उसका पांचवा वाला इंडेक्स अप्रोच करने की कोशिश करते हो, तो उसने वो मेथड ही ऐसा बनाया हुआ है, वो उसको नहीं जाने देता, तो आपने ये मेथड ही ऐसे डिजाइन करना है कि वो नहीं कॉपी करने देगा। अगर सोर्स की लेंथ बराबर है टारगेट की लेंथ से, तो ही ये वाला काम हो जो भी हमने करना है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमने लॉजिक लिखा, एल्स क्या करेगा, एरर मैसेज दे दें, इनकम्पेटिबल लेंस। तो ये ऐसा है कि समहाउ आपके प्रोग्राम सोफिस्टिकेटेड बन रहे हैं, इसके बिना भी आपका काम चल रहा था, लेकिन अब आप लोग चुके प्रोग्रामर्स बन चुके हो, तो आपको प्रोग्रामेटिकली सोचना चाहिए कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सोर्स और डेस्टिनेशन की लेंथ सेम ना भेजे, फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए ये वाला मैसेज हो जाना चाहिए। अब हमारी लॉजिक चलें भाई। सोर्स को सीधा दिखाना था और उसको हाँ, सोर्स ऐसे ही रहेगा और टारगेट के अंदर बेसिकली अभी तक कुछ नहीं है, 0 0s हैं, तो अब डाल दो, कैसे डालना है बस वो वाली बात लिखनी है इसके अंदर। आपने डाटा असाइन करना है टारगेट वाली एरे को, टारगेट वाली एरे के कौन से वाले इंडेक्स में, इंडेक्स टी के अंदर, जो कि अभी 9th है, ठीक है। लाइक अगर 5 5 की लेंथ है तो 4 है समहाउ, चलो उसके इंडेक्स, चलो इसको बना लो माइंड में, 5 ही कर ले सेट, 5 5 लेंथ है दोनों के, फोर्थ वाले इंडेक्स के अंदर आपने डालना है सोर्स का 0 वाला इंडेक्स। तो 0 कहाँ पड़ा हुआ है, इंडेक्स बिल्कुल शाबाश, कौन बोला है भला, कौन मैम सलान अली। ओके, ये वाली बात समझ आई है? यस मैम। इंडेक्स टारगेट के अंदर आपने टारगेट के लास्ट वाले इंडेक्स के अंदर डाल दिया सोर्स का पहला वाला इंडेक्स, ये फर्स्ट आइटरेशन में हुआ। सेकंड आइटरेशन में क्या होना चाहिए भला, अगर पहले यहाँ पे 4 था अब 3 हो जाना चाहिए, ऐसा है yes, ना?
आपने टारगेट के आखिरी वाले इंडेक्स के ऊपर डाटा रख लिया, अब आखिरी से एक स्टेप पीछे आना है, फोर्थ वाले इंडेक्स पे डाटा रख लिया, अब आपने थ्री वाले पे डालना है ना, तो कोई मैकेनिज्म लिखो कि वो इंडेक्स की वैल्यू कम करे, डिक्रीमेंट कर देते हैं हम। हम क्या करते हैं, इंडेक्स पी के अंदर माइनस माइनस, ठीक है, और इंडेक्स एक्स जो है वो यहाँ पर हो रहा है प्लस प्लस, चलो इसको यहाँ नहीं लिखते, यहाँ ही लिख लेते ताकि रिलेटेड भी लगे, ठीक है। नहीं लाइक यहाँ पर आप एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो, एक ही हो गई, तो दूसरी लिखनी पड़ेगी, तो एक और सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा ना, और एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, वो नहीं अलाउ करेगा, कहता है कि मैंने यहाँ पे तीन ही स्टेटमेंट्स लेनी है, तीन स्टेटमेंट का मतलब एक ये सेमी कॉलन, एक ये सेमी कॉलन और एक विदाउट सेमी कॉलन। अलाउ के फॉर का सिंटेक्स ही ऐसा है कि इसके अंदर सिर्फ दो ही सेमी कॉलन हो सकते हैं, तीसरा सेमी कॉलन नहीं लेने देता वो। कॉमा से थोड़ी ना चलेगा ये, लाइक इसके साथ खेल के देखना। अच्छा भाई ये वाली बात डाइजेस्ट हो गई सबको, तो जो सोर्स वाली है वो आगे की तरफ जा रही है और जो टारगेट वाली है वो पीछे की तरफ आ रही है, ऐसा ही है। चलो अब ये तो हो गया, आपने इसको स्टोर या कॉपी कर लिया, अब आपने क्या करना है, इसको डिस्प्ले भी तो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है तो ट्रेवर्स करना है। मैम इंडेक्स एस के आगे सेमी कॉलन लगा लें। थैंक यू, शाबाश, सेमी कॉलन आ गया। अच्छा अब आपने डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपल ट्रेवर्सल ही तो है, ऐसा है ना, साथ साथ ही करवाते जाएं, साथ साथ करवा दें, सुलेमान के असाइनमेंट में साथ साथ होने चाहिए, हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं, हंस क्यों रहे हो सकता है, मुझे लगता है उसके अंदर मतलब अच्छा नहीं लगेगा। एरे का मतलब यह है कि पहले पूरी एरे नजर आए फिर दूसरी एरे नजर आए, चलो उसके ऊपर देखते हैं। ओके हमने क्या करना है, अब दिखाना है, डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले कराना है तो ट्रैवर्स करवाना है, ट्रैवर्स वाला हेड लिख लें। अच्छा मुझे बताओ अब यहाँ पर खाली इंडेक्स लिख सकती हूँ, तो इंडेक्स एस ही लिखूं, हाँ तो उसकी बात तो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर खत्म हो गई, इस लूप के अंदर रहते हुए मैं सोर्स के इंडेक्स को इंडेक्स एस कहती थी, इस लूप के अंदर रह के मैं खाली इंडेक्स ही कह लेती हूँ, क्या मसला है इसमें, इंडेक्स जब तक छोटा रहेगा, अब क्योंकि मैंने सोर्स की दिखानी है तो मैं सोर्स वाली बात लिख रही हूँ, इसके बाद छुट्टी। चलो वो भी कर लेंगे, आप लोगों के लिए कह रही हूँ कि आप लोग को आज ब्रेक नहीं ना मिली। अच्छा भाई आपने डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले कराना कोई नई बात नहीं है, वो आपने ऊपर भी करवाया था, है ना।